क्योंकि जनता का पैसा है जी, ये आपके बाप का पैसा नहीं है, अधिकारियों के बापों ने ये पैसा दिया हुआ नहीं दिया। ऐसा घोटाला है जहाँ पे ठेकेदारों ने महानगर पालिका के करोड़ों रुपए महापालिका फंड में भरे नहीं है। हम यहाँ पे अगर थोड़ा भी टैक्स महानगर पालिका का नहीं भरते, कोई भी टैक्स नहीं भरते, तो महानगर पालिका हमें नोटिस भेजती है, उनके आदमी आते हैं हमसे बदतमीजी से बात करके हमसे टैक्स वसूली कर देते हैं। कि आपको एक आश्चर्य की बात होगी कि बिना वर्क ऑर्डर के इस पहले बाजार की वसूली चालू थी। एफआईआर हो सकता है, क्यों एफआईआर नहीं हो सकता? यहाँ पे 406 के तहत एफआईआर हो सकता है, 420 के तहत आईपीसी 420 और 406 के तहत एफआईआर हो सकता है, क्योंकि जनता का पैसा है जी, ये आपके बाप का पैसा नहीं है, अधिकारियों के बापों ने ये पैसा दिया हुआ नहीं दिया। 30 से 35 लाख आबादी वाला शहर वसई विरार, जहां पे एकमात्र महानगर पालिका वसई विरार शहर महानगर पालिका जो लोगों के टैक्सेस जमा करती है, और ये विभिन्न स्रोतों से होता है। आपका आप घरपट्टी के रूप में पैसे देते हैं, बाजार कर के रूप में देते हैं, या तमाम टैक्सेस हैं जिसके माध्यम से महानगर पालिका एक बजट बनाती है साल का, और उससे सड़क बिजली पानी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, साथ में आपको और फैसिलिटेट चीजें करने के लिए या कुछ नए प्रोजेक्ट्स लाने के लिए, नई मशीनरी लाने के लिए, शहर को बेहतर बनाने के लिए ये आपसे टैक्स वसूला जाता है, वो विभिन्न स्रोतों से विभिन्न तरीकों से लिया जाता है। इन्हीं में एक तरीका है वसई विरार शहर महानगर पालिका द्वारा कर जो टैक्स वसूली होती है, बाजार कर। आपने देखा होगा ठेले वाले, खोमचे वाले, गुमटी वाले, सड़कों पे जो अगल बगल आप देखते हैं, तो वसई विरार खास करके नाला सोपारा, वसई और विरार में सड़कों के किनारे हजारों की संख्या में ये फेरी वाले बैठते हैं। फेरी वालों में तमाम तरीके के लोग हैं, कपड़े बेचने वाले, बर्तन बेचने वाले, या फिर मछली बेचने वाले, तमाम सारे, या फल बेचने वाले, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो इनका एक कैटेगरी है कि किससे कितना पैसा लिया जाए। महानगर पालिका इसके लिए टेंडर निकालती है, और टेंडर निकालने के बाद कुछ टेंडर होल्डर होते हैं जिनको कुछ शर्तें होती हैं, उन शर्तों के तहत उनको पैसे वसूलने होते हैं, और वो पैसे वसूल के महानगर पालिका के खाते में जाते हैं। यानी यूं कहिए कि आपके डेवलपमेंट के लिए वो पैसे वसूले जाते हैं, अपनी मजदूरी रखता है टेंडर होल्डर, और उसके बाद उतना थोड़ा जो उसका एक पार्शियल अमाउंट होता है 20 से 25%, वो उसको रखना होता है, बाकी पैसे आपके खाते यानी महानगर पालिका जनता के खाते में जमा करना होता है। लेकिन आज जो घटनाक्रम है वो घटनाक्रम ऐसा है कि यहां सब मनमानी चल रही है। महानगर पालिका में जो जनता के हक का पैसा है, वही पैसा महानगर पालिका में नहीं पहुंच पाया है। लॉकडाउन के बाद से या लॉकडाउन के दौरान से या उसके पहले से जो भी टेंडर निकाले गए, उन सारे टेंडरों में बहुत बड़ा झोल झाल हुआ है। सीधे शब्दों में कहें तो इसमें जो 9 प्रभाग है वसई विरार महानगर पालिका के, अलग अलग क्षेत्रों के ए से लेके एच तक जो भी प्रभाग है, उन सारे प्रभागों में जो टेंडर जो तहबाजारी वसूलते हैं या जो टैक्स वसूलते हैं दुकानदारों से, आपने देखा होगा कि यहाँ लाखों दुकानदार हैं, तो इसका मतलब पैसा भी बहुत बड़ा आता होगा। मान लीजिए 2 करोड़ रुपए वहां जमा करना था, लेकिन अब इन्होंने पता चला है कि वहां पे कोई पैसा जमा ही नहीं हो रहा है, तो ये पैसा जो गाढ़ी कमाई है जनता की वसूली हुई, वो कौन खा रहा है? तो इन सब चीजों पे काम करते हुए वकील, पेशे से वकील हैं और शिवसेना के नेता हैं अनिल चौहान, जिन्होंने आरटीआई के माध्यम से बहुत सारी जानकारी इकट्ठी की है, और ये बहुत ही सनसनीखेज जानकारी है, और वास्तव में वसई विरार के लोगों के लिए इस पे सोचना चाहिए, क्योंकि जो बजट वसूला गया टेंडर होल्डर के द्वारा, वो महानगर पालिका के खाते में जमा ही नहीं हुआ है। तो इसके बारे में क्या कुछ डिटेल है हमारे साथ बात करेंगे अनिल जी। अनिल जी, आपने जो आरटीआई निकाले, आरटीआई के माध्यम से जानकारी निकाली है, पहले लोगों को ये बताइए कि बेसिकली ये आपने क्या क्या मिले हैं, कितने प्रभागों की जानकारी मिली है आपको? देखिए, ये वसई विरार महानगर पालिका में 9 प्रभाग है जी। 9 प्रभागों में यहाँ पे जो बाजार लगते हैं या फिर जो ठेले लगते हैं, जो गाड़ियां लगती है, इनसे टैक्स वसूलने के लिए टेंडर निकाला जाता है, जिसको बोलते हैं बाजार कर वसूली टैक्स जी। और इसके जो टेंडर निकलते हैं, ये करोड़ों के टेंडर निकलते हैं, और उसको सब लोगों को, ये जब जिन जिनको टेंडर मिलता है उनको 25% पहले आपको फंड में महानगर पालिका के जमा करनी होती है, उसके बाद आपको एक टाइम फ्रेम में सारा पैसा उसमें महानगर पालिका के फंड में जमा करना होता है। जहां पे ठेकेदारों ने महानगर पालिका के करोड़ों रुपए महापालिका फंड में भरे नहीं है, तो ये महानगर पालिका को नहीं मालूम है? महानगर पालिका को मालूम है। कौन अधिकारी जिम्मेदार है? ये अधिकारी और ठेकेदार दोनों मिलके ये पैसे खा रहे हैं, और जनता का जो करोड़ों रुपया है ये ठेकेदारी और अधिकारियों के पेट में गया है। अभी मैं आपको बताता हूँ,
हम यहाँ पे अगर थोड़ा भी टैक्स महानगर पालिका का नहीं भरते, कोई भी टैक्स नहीं भरते, तो महानगर पालिका हमें नोटिस भेजती है, उनके आदमी आते हैं हमसे बदतमीजी से बात करके हमसे टैक्स वसूली कर देते हैं। बट यहाँ पे ठेकेदारों से करोड़ों रुपए का वसूला बाकी है जिन्होंने महापालिका फंड में बाजार टैक्स का भरा नहीं है। राम कैलाश यादव जैसे अनेक यहाँ पे महानगर पालिका में ठेकेदार है जिन्होंने बाजार कर वसूल तो किया है मगर फंड में जमा नहीं किया है, नहीं किया है। और ये आज का नहीं है, महानगर पालिका 2009 में बनी है, 2009 से लेके आज तक का अगर इसका ऑडिट किया जाए तो आपको पता चलेगा कि करोड़ों रुपए जनता के करोड़ों रुपए अधिकारी और ठेकेदार खा चुके और डकार तक नहीं दिए। तो ये इतनी भ्रष्ट महानगर पालिका है। मैंने सारे अधिकारियों से बात की, मैंने पत्र लिखे और मैंने मेरी डिमांड रखी कि इन सारे ठेकाओं का ऑडिट किया जाए। कितने साल तक का रिकॉर्ड आपको एहसास हुआ है कि इतने साल से भ्रष्टाचार नोटिस में आया? अभी तक पहले का क्या है वो तो पता नहीं, बट आपने कभी तक डॉक्यूमेंटेशन देखा? मैंने 2015 से डॉक्यूमेंट निकाले हैं, 2015 से आब तक का मैंने जो स्टडी किया है उसमें मालूम पड़ा है कि इन ठेकेदारों ने करोड़ों रुपया महानगर पालिका का खाया है और महानगर पालिका के फंड में जमा नहीं किया। तो ये अधिकारियों को मालूम होते हुए भी अधिकारियों ने इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। आपको एक आश्चर्य की बात होगी कि बिना वर्क ऑर्डर के इस पहले बाजार की वसूली चालू थी, उसके कई ध्यान में आने के बाद अधिकारियों ने वर्क ऑर्डर बाजार वसूली चालू होने के बाद दिए हुए, जब तो क्या ये ना शुरू में देने चाहिए थे वो बाद में दिए। इतना बड़ा भ्रष्टाचार है बाजार वसूली का है। मेरी सीधी सीधी डिमांड है कि इन बाजार वसूली टैक्स का आप ऑडिट कीजिए और जो जो जिम्मेदार ठेकेदार है या जिम्मेदार अधिकारी है पहले तो अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए और जो जो ठेकेदार है उनको ब्लैकलिस्टेड किया जाए, उनकी बैंक गारंटी जो जब्त किया जाए, उनसे रिकवरी किया जाए और ये सारा पैसा जनता के कल्याण के लिए लगाया जाए। अच्छा, इस पूरे मामले में जिस तरीके से अभी क्लीनअप मार्शल का सेम कंडीशन था, क्लीनअप मार्शल बिना टेंडर वैलिड टेंडर के वसूली करते पकड़े गए, वाली पुलिस स्टेशन में उसके इसमें गुना भी दाखिल हुआ है, उसकी जांच भी शुरू है, तो क्या इन मामलों में भी एफआईआर हो सकता है ऐसे अधिकारी के ऊपर या कर्मचारी? एफआईआर हो सकता है कि एफआईआर नहीं हो सकता? यहाँ पे 406 के तहत एफआईआर हो सकता है, 420 के तहत आईपीसी 420 और 406 के तहत एफआईआर हो सकता है, क्योंकि जनता का पैसा है जी, ये आपके बाप का पैसा नहीं है, अधिकारियों के बापों ने यह पैसा दिया हुआ नहीं दिया, क्योंकि बाप दादा का जमीन बेच के आया हुआ पैसा नहीं है, ये जनता का पैसा है। और अगर आप जनता का पैसा खाते हो तो जनता से धोखाधड़ी है और जनता का पैसे का ये दुरुपयोग है, तो दोनों सेक्शन पे आप गुना दाखिल होना चाहिए। इसके लिए मैं भी लेटर दूंगा, अभी मेरा बुधवार को या आने वाले वेनसडे को प्रभाग समिति डप एक मेरा आंदोलन है इसी मुद्दे को लेके, और इसके बाद दिवाली आने वाली है, दिवाली के बाद महानगर पालिका का मैं घेराव करने वाला हूँ और आयुक्त को इसका सवाल पूछने वाला हूँ कि जनता का पैसा खाते हुए आप देख रहे हो फिर भी आप चुप्पी साधे क्यों हो, और आपको जनता का पैसा वापस तिजोरी में लाने के लिए आपने क्या उपाय योजना की है, ये सारे सवाल मैं आयुक्त को पूछने वाला हूँ और जवाब दो आंदोलन में ले जाऊंगा। देखिए, बीच में 2-3 जो है कमिश्नर्स बदले, इसमें आपने देखा पिछले 3-4 सालों के अंदर में कई कमिश्नरों का बदले, आज अनिल पवार कमिश्नर है, क्या इस संबंध में आशीष पाटिल जो अतिरिक्त आयुक्त है उनसे आपकी बात हुई या आपने ये सवाल उनसे किए या फिर कार्रवाई की बात कही है क्या उन्होंने? बिल्कुल, मैंने एडिशनल कमिश्नर आशीष पाटिल जी, उनके पास चार्ज है इस बाजार का, और उनके पास जामले पाटिल साहब थे उपायुक्त, उनसे भी बात की, उनको लेटर दिए, उनको बताया मैंने, उन्होंने कहा कि मैं कार्रवाई करता हूँ, लेकिन आज तक वो लेटर दे के मुझे लगता 2 महीना हो गया, बट कोई कार्रवाई मुझे दिख नहीं रही है। और इसको सौम्य तरीके से अगर आप लेते हो तो ये कहीं ना कहीं पानी बहुत, हमारे मराठी में एक कहावत है कि पानी कूटे तरी मूर्ते, मतलब पानी कहीं ना कहीं जा रहा है। बराबर बराबर। तो आपने देखा है वसई विरार में तमाम तरीके के जो है झोल चल रहे हैं, बहुत सारा घोटाला चल रहा है, घोटाले पे घोटाला चल रहा है, चाहे वो पेड़ का पर्यावरण का सब्जेक्ट हो, इंडस्ट्रीज कंपनी का सब्जेक्ट हो, जिस भी सेक्टर में कोई भी आरटीआई एक्टिविस्ट या कोई भी नेता उस सेक्टर में हाथ डालते हैं तो वहां से बंडल निकलता है और पूरे बंडल में एक तरीके का नहीं कई तरीके के भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं। जो आपने देखा होगा बहुत सारे जो पैसे वसूल रहे थे सड़कों पे, स्वच्छता मार्शल जैसे ऐसे बहुत सारे टेंडर्स जो है जो वैलिड ही नहीं है और लोगों से वसूली हो रही है। फिलहाल इन सारे मामलों पे कार्रवाई होने की जरूरत है। और मैं तो अनिल जी, मैं तो ये कहूंगा कि कमिश्नर बदलते, पॉज करो इसको, तो अनिल जी वसई विरार शहर महानगर पालिका में कमिश्नरों का कार्यकाल कम होता है और उनके नीचे के जो कर्मचारी होते हैं उनका कार्यकाल काफी बड़ा होता है, 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल, और ये मन माफिक तरीके से बिठाए जाते हैं, जिस तरीके से नेक्सस मैं तो कहूंगा ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है,
एक क्लर्क ग्रेड के अधिकारी को एएमसी के पद पे बिठा देना जिनको पता ही नहीं एबीसीडी, वो क्या काम करेंगे? अक्षमता अदूरदर्शिता वाली बात है कि विजनरी जो है बसई विरार को आज हॉस्पिटल्स नहीं है, तमाम सारी समस्या, और आपने जो निकाला है तो करोड़ों का बहुत बड़ा घपला है और इसको लास्ट तक ले जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसा आपने बताया कि आपने 9 प्रभागों की जानकारी मांगी थी और उन्होंने सिर्फ 3 प्रभागों की जानकारी दी है। अब ये जो आरटीआई के लिए जवाबदार है उनके बारे में क्या कहेंगे आप, क्यों नहीं दे रहे वो? नहीं, आरटीआई का सिचुएशन ऐसा है महानगर पालिका में कि 2 या 3 वहाँ पे अधिकारी बिठाए रखे हैं, ये जानबूझ के होगा ऐसा हो सकता है। और आरटीआई डिपार्टमेंट जो है वो वीक है, उनके पास लोग कम है, ये मुझे जानकारी आरटीआई विभाग से ही मिली है। वसूली सर बराबर होती है जहाँ पे वसूली की बात तो, आती है, लेकिन यहाँ पे आदमी क्यों कम रखे गए, क्या जानबूझ के नहीं लगता आपको? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ महानगर पालिका की बात नहीं है, पूरे देश में आरटीआई को कमजोरी किया हुआ है, वो बात की बात है और उसको स्ट्रांग करने की बहुत जरूरत है। क्योंकि ऐसे आरटीआई से हमें मालूम पड़ता है कि हमारा पैसा कहाँ गया है, पैसा कहाँ लगा है, कितना आना है, कितना देना है, ये सारी जानकारी हमें आरटीआई से मिलती है, तो उसको स्ट्रांग करने की जरूरत है। और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी ही उसे दबा के रखते हैं क्योंकि ऐसे आरटीआई के उनसे खुलासे होंगे और इनके जो पाप है वो सब बाहर आएंगे, इसके लिए आरटीआई को कमजोर किया हुआ है। और आपने बताया कि कमिश्नर आए गए, काफी सारे कमिश्नर यहाँ पे आए, किशोर बोर्डे से लेके लोखंडे साहब से लेके उसके बाद गंगाधरन, अनिल पवार, बीजी पवार, राठौड़ साहब, ऐसे बहुत सारे आयुक्त है, लेकिन यहाँ पे जो भी आयुक्त आता है वो यहाँ वो इनके कर्मचारियों के हाथ में रंग जाता है। और यहाँ के वसई विरार में पता नहीं ऐसा कौन सा जादू है कि आयुक्त दिखता अच्छा है, स्ट्रांग दिखता है, बट उस कुर्सी पे बैठने के बाद वो यहाँ का सत्ताधारियों का सुनता है, वही भ्रष्टाचार करने लगता है, वही कार्रवाई नहीं करता है। और वही ऐसे आपने कहा एएमसी की बात कही हो, एएमसी आपने कहा, मैंने एक निकाले थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, एक एएमसी बिठा के रखा था इन्होंने जो कि 10वीं फेल था एएमसी, मैंने उसके डॉक्यूमेंट्स निकाले थे आरटीआई से। ऐसे लोगों को कोई निवेदन या आवेदन आएगा तो क्या कार्रवाई करेंगे, क्या कार्रवाई करेंगे, उनकी क्षमता क्या है वहां, उनको आप समझे नहीं, उनको इसी तरह के अधिकारी चाहिए जो उनके सुने और जिनको कुछ आता ही नहीं हो। जैसे कि अभी आप देखोगे वालियों में देखोगे या फिर पेल्हार में देखोगे या बहुत सारे ऐसे सहायक आयुक्त जिनको कुछ नहीं आता, सिर्फ अनाधिकृत बांधकाम की वसूली, इसके अलावा इनका और कोई काम, पैसा कलेक्शन करो और जमा करो, पैसा कलेक्शन करो, खुद रखो, अपने ऊपर के अधिकारियों को दो, यही एएमसी का काम है। इस वजह से आप देख रहे हो वसई विरार काफी लोकसंख्या बढ़ती जा रही है, बट उस लोकसंख्या के हिसाब से यहाँ पे जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, सर रात भर में रूम खड़ा हो जाता है, नए लोग बस जाते हैं, जनसंख्या तो बढ़ी, शहर का शहर बस रहा है, इन भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से ये हो रहा है। आज आप उसको प्रॉपर तरीके, आप वागराल में अभी कभी जाओ, आप संतोष भवन में कभी जाओ, आप कारगिल नगर में कभी जाओ, आपको पता चलेगा कि लोगों को किस तरह से बसाया जा रहा है। आप इन लोगों को बसा के शहर के ऊपर बहुत बड़ा बोझ डाल रहे हो, क्योंकि आपको आने वाला पानी कहाँ से दोगे, आप बिजली कहाँ से दोगे, आपके पास सड़क की व्यवस्था नहीं है, आपके पास परिवहन की व्यवस्था नहीं है, आपके पास लोकल ट्रेन की व्यवस्था नहीं है, और आप इतने बड़े शहर बसा रहे हो। अभी मैं आपको ये भी कहूंगा कि दिवाली आने वाली है, दिवाली में 4-5 दिन छुट्टियां आएंगी, इन 4-5 दिन के छुट्टियों में हजारों चालियां यहाँ पे बन जाएंगी, क्योंकि अधिकारी कहते हैं छुट्टियों में बनाओ। ठीक है, तो ये अधिकारियों ने इस वसई विरार महानगर पालिका को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। अभी वक्त सिर्फ जनता का है, जनता को इसके ऊपर सोचना चाहिए और जनता को सड़क पर उतर कर ऐसे अधिकारियों का विरोध करना चाहिए। इसके लिए मैं फिर से आह्वान करूंगा कि मैं बुधवार को प्रभाग समिति ड आचोले में एक आंदोलन ले रहा हूँ 11 बजे। आप सब आपके माध्यम से जनता से आह्वान करता हूँ कि आप सभी इस आंदोलन में आइए, और अभी शिवसेना इन सब मामलों को लेके, छोटे मोटे मामलों को लेके अब जनता के पास जाएगी, सड़कों पे उतरेगी और ऐसे अधिकारियों का बुरखा कपड़ा सब फाड़ के हम रहेंगे और इन एक ही अधिकारियों को हम छोड़ेंगे नहीं। तो वसई विरार में अब लोगों को सड़क पे उतरने की जरूरत है ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जो आपका हक का पैसा खा रहे हैं और आपको परेशानियों की सौगात दे रहे हैं। सड़कों पे जाम लगा पड़ा है, आप देखते हैं लोग फेरी वालों से परेशान हैं, सड़कें एकदम भरी हुई हैं, आदमी को आने जाने का रास्ता नहीं है, बावजूद इसके वहां से जो पैसा वसूली हुआ है टैक्सेस के रूप में, वो वसूली बाजार कर का पैसा आज भी महानगर पालिका के खाते में नहीं पहुंचा है। 2000 करोड़ का बजट लेके चलने वाली महानगर पालिका आपको क्या सुविधा दे रही है? आप बेहतर देख रहे हैं, ना सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है, क्योंकि रात भर में यहाँ पे नए कमरे बन जाते हैं, नए रूम बन जाते हैं, नए लोग आके शिफ्ट हो जाते हैं, क्राइम भी इसीलिए बढ़ा हुआ है। क्राइम पे आप वकील हैं, क्राइम पे हम लोग एक खाली आपसे पूछेंगे कि क्राइम रेट के बारे में क्या कहेंगे,
अब इसको आयुक्तालय बना दिया गया वसई विरार और मीरा भाईंदर को मिला के, और ऐसे में अब क्राइम रेट कहीं कम होने का नाम नहीं ले रहा, क्या कहेंगे इसमें? देखिए क्राइम रेट तो वसई विरार का बढ़ता ही जाएगा। आपने कुछ दिन पहले न्यूज देखी होगी कि एक नक्सलवादी संतोष भवन में पकड़ा गया, उसके पहले वही धानी विभाग संतोष भवन में पकड़ा गया, उसके पहले यहाँ पे कई सारे फायर हुए थे, सुमित चौहान की यहाँ पे मर्डर हुआ था, मर्डर आए दिन यहाँ पे मर्डर हो रहे हैं, बैंक डकैतियां मतलब चोरी या चकरियां हो रही है। कैसे कंट्रोल कर सकती क्या पुलिस? कैसे कंट्रोल, मतलब यहाँ पे जिस हिसाब से पुलिस बल चाहिए वो हिसाब से पुलिस बल है नहीं। अभी आयुक्तालय आने के बाद समझो पेलार पुलिस स्टेशन हुआ, मांडवी पुलिस स्टेशन हुआ, आचोले पुलिस स्टेशन हुआ, ऐसे तीन पुलिस स्टेशन बने, लेकिन और पुलिस स्टेशन की अभी नहीं, रातों रात नए घर बन रहे हैं, कहां से कौन लगा रहा है, क्योंकि वेरिफिकेशन में पुलिस को कोई जानकारी नहीं कौन कहां रह रहा है। इसके ऊपर सबसे मैं कहूंगा कि सबसे बड़ा जो बोझ अभी बढ़ रहा है, जो दबाव बढ़ रहा है वो पुलिस के ऊपर है, क्योंकि इतनी सारी लोकसंख्या और पुलिस बल कम है, पुलिस बल बढ़ाना बहुत जरूरी है। और ऐसे अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन होते रहेंगे, कौन कहां से आ रहा है, कहां रह रहा है, कौन सा आतंकवादी यहां रह रहा है, कल कौन सा बम पड़ के यहां से चला जाएगा, ये इसके जिम्मेदार मैं कहूंगा कि महानगर पालिका है, क्योंकि ये महानगर पालिका ही वो चौल होने दे रही है, वो झोपड़ा होने दे रही है, उस इलीगल कंस्ट्रक्शन को आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, उससे पैसा ले रहे हो, तो ये महानगर पालिका के अधिकारी ही पुलिस के ऊपर ज्यादा बोझ आगे फ्यूचर में डाल रहे हैं, अभी डाल रहे हैं। तो वसई विरार शहर में अधिकारी आते रहेंगे, जाते रहेंगे, कमाई करके निकल जाएंगे, शहर आपका बर्बाद हो रहा है, और उसके बारे में आपको सोचना है। तो मोर्चा है डब प्रभाग में, डी प्रभाग में, अचोले में, और जैसा उन्होंने आग्रह किया अनिल चौहान जी ने, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं इनके माध्यम से। आप जुड़े हमारे साथ मेट्रो सिटी समाचार पे, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए मेट्रो सिटी समाचार।